हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर्स। सो गाइस, यहाँ पे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड का क्वार्टर टू का रिजल्ट यहाँ पे क्या निकल के आ चुका है, जो कि डेटास कंपनी के मिलियंस में दिए गए हैं। बट मैं आपको क्या इसका डेटा के क्रोस में काउंट करके बताऊंगी। इफ कंपनी का अगर आप टोटल रेवेन्यू यहाँ पे देखने जाओगे तो एग्जैक्टली क्या है यहाँ पे दिया गया है। करंटली कंपनी कितने का 1706 करोड़ के आसपास रेवेन्यू किया है, जो कि पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1640 करोड़ के आसपास कंपनी ने क्या रेवेन्यू किया था। सो क्वार्टर वाइज कंपनीज के जो रेवेन्यू है ना, लगभग कितना 1000 करोड़ के आसपास क्या बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। वही कंपनी का रेवेन्यू अगर आप देखने जाएंगे तो 2023 के सितंबर के रिजल्ट में 1248 करोड़ का, वो 1248 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था, जो कि बढ़कर 1706 करोड़ हो चुका है। सो कंपनीज के जो रेवेन्यूज नंबर है ना, यहाँ पे अच्छे खासे बढ़ते देखने को मिल रहा है, लगभग 5000 करोड़ के आसपास इन लाइक इन ईयरली वाइज अगर आप देखने जाओगे तो। बाकी वही कंपनीज के टोटल नंबर ऑफ एक्सपेंसेस की बात करेंगे, एक्सपेंसेस नंबर कंपनी के यहाँ पे दिए गए हैं। करंट क्वार्टर में लगभग कितना 5 करोड़ कम, लगभग कितना 1000 करोड़ के आसपास कंपनी का क्या एक्सपेंस यहाँ पे हुआ है। बाकी वही कंपनी का रेवेन्यू सॉरी एक्सपेंसेस अगर आप देखने जाओगे तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने लगभग 937 करोड़ के आसपास एक्सपेंस किया था, जो कि अभी बढ़कर 995 करोड़ हो गया है। सो ऑलमोस्ट कंपनी का एक्सपेंस यहाँ पे क्वार्टरली वाइज बढ़ा है। ईयरली वाइज देखने जाओगे तो 2023 के सेप्टेम्बर के रिजल्ट में कंपनी का 678 करोड़ के आसपास एक्सपेंस था, जो कि बढ़कर 995 करोड़ हो गया है। सो कंपनी के जो खर्चे है ना, यहाँ पे कंट्रोल में नहीं है, बट क्वार्टरली ईयरली दोनों यहाँ पे क्या बढ़ा है। बात करें कंपनी के प्रॉफिट नंबर की, प्रॉफिट नंबर कंपनी का यहाँ पे दिया गया है। करंट क्वार्टर में 528 करोड़ का प्रॉफिट है, पिछले क्वार्टर में 525 करोड़ का प्रॉफिट था। सो क्वार्टरली ज्यादा नहीं, लगभग 3 करोड़ के आसपास ही कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा। हमने जो प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया था, लगभग कम से कम इसका प्रॉफिट जो है 530 या फिर 535 करोड़ के आसपास आना चाहिए था, बट लगभग कितना 3 करोड़ के आसपास ही प्रॉफिट इसका बढ़ा है क्वार्टरली वाइज। ईयरली वाइज देखने जाओगे तो 2023 में कंपनी का 423 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर 528 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है। सो ईयरली वाइज कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे किया हुआ है। सो फिलहाल जो स्टॉक है, मैं लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट करूंगी फॉर दी होल्डिंग करने के लिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा रहा है कि ये स्टॉक आपको रिटर्न दे सकता है। सो ये था कंपनी का क्वार्टर टू का रिजल्ट, एंड आई थिंक आपके जो डाउट है क्लियर हो गए हैं। सो गाइस लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।